जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। प्रतिवर्ष दोस्तों भाद्रपदा माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमासी को पितृपक्ष प्रारंभ होता है और ये 16 दिनों तक रहता है और अश्विन माह के अमावस्या के दिन यह समाप्त होते हैं। 2024 में दोस्तों पितृपक्ष आपका 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं और ये 16 दिन तक रहेंगे तो 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे। 2 अक्टूबर को पितर अपने गंतव्य को चले जाते हैं। दोस्तों पितृपक्ष के इन दिनों को सबसे पवित्र माना गया है हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में। बताते हैं कि इन दिनों जो हमारे पितर होते हैं वो पितृलोक से इस धरती पर आते हैं और यहीं पे 16 दिन तक रहते हैं हमारे बीच में, तो इसी में तर्पण वगैरह किया जाता है, जो भी श्राद्ध काम किया जाता है। इवन आप देखते होंगे जो अभी हमारे नवरात्रि होंगे उससे पहले पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो जब पितरों को कहते हैं कि पहले पितरों को पूज लो अपने, अगर आपके पितर प्रसन्न हो गए तो देवता भी प्रसन्न हो जाता है। तो देव पूजा से पहले पितरों की पूजा का हमारे सनातन संस्कृति में विधान है। तो आज दोस्तों 3रा दिन है अपने यहाँ पितरों का। कल मैंने श्राद्ध रखा है, कार्यक्रम मेरे यहाँ पे होगा, तो आज मैं एकाव्रत हूँ। तो आज मतलब वन टाइम सिंगल टाइम मेरे को खाना खाना है। तो अभी अपना मैं रेडी हो चुका हूँ नहा धो के। अभी मुझे थोड़ा मार्केट जाना है, थोड़ा शॉपिंग करनी है, कुछ पूजा सामग्री लानी होगी क्योंकि कल है श्राद्ध हमारे यहाँ पे। आज मैं एकाव्रत रहूँगा, सिंगल टाइम मेरे को मील लेना है आज का। तो उसके लिए कल जो भी सामग्री होगी जरूरी सामग्री थोड़ा मार्केट से लेके आते हैं। फल वगैरह मिठाई विठाई लानी होती है पंडितों के लिए, धोती वगैरह ये सब लाना होता है, पूजा सामग्री लानी होगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मार्केट लोहाघाट। भाई बाजार पहुँच गया हूँ, बहुत धूप है यार आज। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मार्केट से और मैडम ने यहाँ शुरू कर दी है कार्रवाई खाना पकाने के लिए। मैडम बना रही है एक्चुअली खाना क्योंकि ये भी एकाव्रत है मेरे साथ, तो दोनों का ही फास्ट है आज, वन टाइम खाएंगे हम लोग। तो अभी वही कार्रवाई चलते हुए खाने पीने की। दोस्तों बड़ा नियम होते हैं इसमें, बड़े कड़े नियम होते हैं। कहते हैं श्राद्ध में आपको ताम्रसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कोई नई वस्तु नहीं खरीद सकते इस दौरान। खाने पीने में भी जैसे मैंने बताया ताम्रसी नहीं खानी है वस्तु है। इसके अलावा आप जैसे पालक बैंगन भी नहीं खा सकते हैं, और कौन सी दाल होती है लाल वाली दाल कहते हैं ना, मलका, मलका की दाल नहीं खा सकते हो अभी दौरान। ये तुर की दाल भी नहीं खाते हैं, 16 दिनों तक होता है नियम। तो अभी मैडम खाना बनाते हुए, अभी एक तड़का लग रहा है भैया, मिर्ची हरी मिर्ची को तड़का मारते हुए। ये कल खीर के लिए दूध आया है और इसमें उड़द की दाल भिगा रखी है जिसके बड़े बनेंगे, तब इसको धोएंगे। कल रात को भिगा दी थी, कल रात की तैयारी भी हो गई है थोड़ा थोड़ा। One hour later. तो दोस्तों ये चावल चढ़ा दिए हैं, दाल यहाँ पक चुकी है और सब्जी भी बन गई है। और इसी दौरान मैडम ने ये जो उड़द की दाल होती है बड़े बनाने के रखे हैं हमने, कल बनेंगे इसके बड़े, आज ही धो दिया है। और मतलब कल रात को इसको भिगाया था और धो दिया है, अब इसको सुखाया जाएगा थोड़ी देर, फिर इसको रात को ही पीस देंगे क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम बचता नहीं है। तो हम लोग पंडित जी को जल्दी बुला लेते हैं, तो मॉर्निंग में आ जाएंगे वो लोग, शायद 7 बजे तक आ जाएंगे, 7-7.30 बजे तक आ जाएंगे पंडित जी कल। और मैं आपके साथ जो ये पितृपक्ष के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम लोग किस प्रकार से इसको बनाते हैं पितृपक्ष को। तो कोई ये मतलब फाइनल नहीं है, हर लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से वो लोग बनाते हैं। तो हम लोग कैसे बनाते हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर।
दोस्तों खाना बनके रेडी हो चुका है, फटाफट से खाते हैं। आज ध्रुव स्कूल गया था, वो नाश्ता भी नहीं करके गया, उसको भी बहुत भूख लगी हुई है। माता जी वैसे शुगर पेशेंट है, तो फटाफट से खाना डालते हैं, खाते हैं। तो ये अपना खाना तैयार हो चुका है भाई। ये काली दाल बनाई है उड़द की और अरहर मिला के, और ये सब्जी है शिमला मिर्च और आलू की। दिस इज राइस, बस सिंपल सा बनाया। और ये मिर्च भून लिया, थोड़ा सलाद है, थोड़ा अचार वचार लेते हैं, तो फटाफट से डालते हैं और खाते हैं दोस्तों। A few moments later. दोस्तों अभी 3 बजे हैं और अपना खाना हो चुका है, और ये खाने के बाद ये धोती भी धोती है। जो वस्त्र पहने होते हैं खाते वक्त और पकाते वक्त उसे धोना पड़ता है, नहीं तो अशुद्ध हो जाते हैं। कल नहीं पहन पाऊंगा मैं, तो ये धोती है मैंने फिलहाल। A few hours later. तो दोस्तों अभी रात के 9 बज गए हैं और मैं अभी जा रहा हूँ किचन में, क्योंकि मैडम का कहना है कि काम निपटा लेते हैं थोड़ा, जो काम का बर्डन होगा कल मॉर्निंग में जब पंडित जी आएंगे थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि बहुत काम हो जाते हैं, हम ही करने होते हैं सारे काम। तो जैसे क्या कहते हैं उसको, रायता वायता बना लेते हैं और थोड़ा उड़द की दाल पीस लेते हैं, तो कुछ छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं, कल हेल्प हो जाएगी हम लोगों को। Later. दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं अभी अपने कमरे में आ गया हूँ सोने के लिए। अभी काफ़ी कल का काम हम लोगों ने अपना हल्का कर लिया, जैसे कि रायता बना चुके हैं हम लोग, और इसके अलावा उड़द की दाल पीस दी है, तो कल काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा हम लोगों के लिए, थोड़ा हौसपोज नहीं होगी। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों आपने देखा होगा कि हम लोग जो पितृ श्राद्ध करेंगे उससे पहले के दिन की जो गतिविधि होती है, क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, क्या हमारे कस्टम्स है, वो मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, तो अभी फिलहाल दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद।